बच्चों, आज हम कल क्लास फाइव का पंच परमेश्वर पार्ट दो का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धो कर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी, सिर माथे चढ़ाऊँगी, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब कहना मानूँगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जानने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भाव को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया, उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी, और इसीलिए आप ये देखते रहिए, इसे पढ़कर याद कीजिए घर पर और किताब पर लिखकर अपना लेख सुधारें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।